जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सरकार ट्रेडर्स चैनल में मैं कौशिक सरकार आपके साथ हर रोज की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। साथ में यहाँ कुछ स्टॉक का अगर मौका मिलेगा तो उसको भी लास्ट में जिक्र करेंगे। दोस्त, इस चैनल में जो भी दोस्त लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे मैं जरूर गुजारिश करूंगा कि लास्ट तक एक दो तीन दिन तक लास्ट तक वीडियो देखिए। उसके बाद अगर आपको हमारा लेवल को वॉच कीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर हम जो पिन पॉइंट देते हैं, जो लेवल बताते हैं हर रोज का, वो रोज का लेवल अगर आपको सक्सेस हो रहा है, तब जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाए, ताकि मैं दिन में और भी वीडियो बनाता रहता हूँ जो मार्केट के लिए आपको काम आ सके। आज दिन में जो बैठक था 1 बजे के आसपास, उनके बारे में बताया था। आज मैं लाइव मार्केट का जो वीडियो था वो मैं बनाया था, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं सही से उसको एडजस्ट नहीं कर पाया, जिसके कारण से आपको पोस्ट नहीं कर पाया। तो चलिए दोस्त, ज्यादा बात ना करते हुए हम इस प्लेटफॉर्म का जो खासियत है ये है टेक्निकल चार्ट के साथ आपके साथ शेयर करना। तो टेक्निकल चार्ट के साथ जो लेवल आएगा कल के लिए, 12 दिसंबर एक्सपायरी के लिए जो लेवल आएगा, उसको मैं आपके साथ जिक्र करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम और लग सकता है इस वीडियो में, क्योंकि हम अगला एक्सपायरी का भी डेटा देख के थोड़ा सा वहां से हम प्रोटेक्शन करेंगे जो क्या हो सकता है। तो दोस्त देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी को किसी जगह पे बाइंग या सेलिंग का सलाह बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। मैं आप मेरा जो टेक्निकल चार्ट है उसके मुताबिक जो लेवल निकल कर आता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल लास्ट में मैं यही बताऊंगा, जो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक बटन जरूर दबाइए, ताकि जिन लोग मेहनत के साथ वीडियो बनाता है उनको वीडियो का कुछ फल मिले। बाकी आप लोगों से कोई पैसा कोई नहीं मांगता है, ना कोई फीस मांगता है, सिर्फ एक लाइक का बटन का उम्मीद करके हम बैठे रहते हैं। चलिए दोस्त, फटाफट देखते हैं जो टेक्निकल चार्ट क्या है। दोस्तों ये है हमारा टेक्निकल चार्ट, और इस चार्ट के मुताबिक जो मैं कल आपको बताया था बिल्कुल सेम टू सेम वही होता हुआ दिखाई दिया है, कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वहां से रिकवरी आएगा, गैप डाउन ओपन नहीं होगा तो 11,900 के आसपास से आपको गिरावट आ सकता है। बिल्कुल ही हुआ है। और उसके बाद जो लेवल मैं नीचे का टच के लिए बताया था बिल्कुल 11,830, उसी लेवल से आज ऊपर आया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आज का लो क्या है, 11,832। आज का ओपन क्या है, 11,867। और हाई है 11,923, जो कि लास्ट में बना है, सुबह के सेशन में नहीं बना था। अब कल के लिए क्या होगा दोस्त, यहां से मैं कल के लिए आपको क्लियर बताऊं, जो यहां से एक रिकवरी आएगा निफ्टी में, और वो रिकवरी कहां तक आएगा, ये रिकवरी आपको आ सकता है, ये जो लेवल आप देख रहे हैं मेरा लाइनिंग जहां पे दिखाई दे रहा है 11,980, नियर अबाउट इस जगह तक 11,980 के आसपास तक का एक रिकवरी आएगा। अरे रिकवरी मैं कभी भी बताता हूं, जो निफ्टी में या स्टॉक में ऐसे सीधा ऊपर नहीं चढ़ जाता, ऐसे सीधा ऊपर नहीं चढ़ जाता है, थोड़ी सी चढ़ेगा फिर थोड़ी सी सस्टेंस करेगा, फिर थोड़ी सी चढ़ेगा फिर सस्टेंस करेगा, फिर थोड़ी सी चढ़ेगा। अब किस किस लेवल तक चढ़ के सस्टेंस करेगा ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्त। किस किस लेवल चढ़ के सस्टेंस कर सकता है ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्त यहाँ पे मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि किस किस लेवल तक जाएगा टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, ओके दोस्त। तो जो चीज यहाँ पे बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, नोट डाउन कीजिए। यहाँ से अगर सुबह इसी जगह पे ओपन होता है तो थोड़ा सा गिरावट यहाँ से दिखा सकता है, जो कि 11,890 तक दिखा सकता है। फिर यहाँ से जब चढ़ेगा तो ये लेवल 11,940, 11,940 तक दिखाएगा, सॉरी 11,900, जब 11,890 तक आएगा उसके बाद आपको 11,920 के या 30 के पास जाके एक बार रुकावट दिखाएगा। उसके बाद जब यहाँ से ब्रेक करेगा तो 11,940 के आसपास जाएगा, 40 ब्रेक करने के बाद 11,960 एंड 70। तो ये स्थिति रहेगा कल का मार्केट का, मतलब चार स्टेप में मैं आपको बता दिया। अगर यहाँ पे ओपन होगा तो थोड़ी सी सुस्तनेस यहाँ से दिखा सकता है, जो कि 11,890 तक, उसके बाद रिकवरी आएगा जो कि 11,920 से 30 लेवल के पास जाके फिर थमेगा थोड़ा सा, रुकेगा थोड़ा सा, फिर वहां से जब चलेगा तो 11,940, 40 के बाद 40 से 50, इसके बाद जब थोड़ा सा रुकावट आएगा फिर यहाँ से जब चढ़ेगा तो 11,970 से 80, ठीक है। ये 3 स्टेप बाय स्टेप निफ्टी कल चढ़ सकता है। तो देखिए इतना क्लियर करके मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो क्लियर करके मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो ये था टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, और ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर देखेंगे जो क्या लेवल इंपॉर्टेंट है कल के लिए। तो देखिए ऑप्शन चेन जाने से पहले एनएससी इंडिया का साइट का इस चीज को मैं विजिट करता हूँ आपको, और यहाँ पे देखते हैं जो एडवांटेज शेयर कितना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 32 एडवांटेज शेयर है और 18 डिसक्लाइन शेयर है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे को क्या इशारा मिल रहा है कि मैक्सिमम शेयर, मैक्सिमम स्टॉक
जो कि है अभी ऊपर की तरफ तेजी की तरफ मूव कर लिया है, रोक कर लिया है। और यहाँ से और क्या देखते हैं, जो यहाँ से हम देख पाते हैं जो कौन सी स्टॉक आज अच्छा चलने वाला है। तो गेल देखिए आज सुबह से ही अच्छा चला है, और जो यस बैंक आज सुबह से ही डाउन चल रहा है, तो यहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर आपको चार्ट देखना आता है। दोस्त मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चार्ट देखना नहीं आता है, मार्केट का सोच विचार आपको नहीं आता है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में 20-20, 30-30, 50 हजार रुपए आप लोग दिन में गवाते हैं। फिर मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हैं, फिर मेरे से पूछते हैं जे यहाँ पे हम क्या करें। फिर भी मैं जितना हो सके मैं आपको सही लेवल देने का कोशिश करता हूँ, जो इस जगह पे निकल जाए ताकि आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट मिल जाए। तो दोस्त आप लोग चार्ट देखना सीखिए, टेक्निकल सीखिए, फिर मार्केट में काम कीजिए। सिर्फ 5000 बेस में मैं टेक्निकल आपको सिखाता हूँ। चलिए दोस्त यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से जो दिखा रहा है, सबसे पहले मैं पुट साइड में जाऊंगा। आपको पता है जो पुराने दोस्त लोग आए, जब किसी दिन में सबसे पहले कॉल साइड में जाता हूँ और किसी दिन में सबसे पहले पुट साइड में जाता हूँ। तो पुट साइड जिस दिन जाता हूँ उस दिन समझ लेना कि सपोर्ट मेरे को ज्यादा दिख रहा है, इसलिए मैं पुट साइड की तरफ से सपोर्ट ढूंढने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे को जो सबसे पहले सपोर्ट देखने को मिल रहा है 11900। ओके दोस्त 11900, 11800 पे भी सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 11890 तक जो लो बनाएगा। तो आप ये कहेंगे कि 11900 का सपोर्ट बोल रहे हो और फिर बोल रहे हो 11890 तक जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो 10 पॉइंट का मूवमेंट है, इस 10 पॉइंट का मूवमेंट को आप गिनती में नहीं लेना। ये आपको जिन लोग 11900 पे सेल कर रखा है उन लोगों को भी पता है, जो ये नीचे 11890 तक भी आ सकता है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर ही जाएगा। फिर जब यहां से ऊपर आएगा, जब 11950 की तरफ आएगा कि 12000 के करीब जो मैं लेवल अभी दिया हूं आपको, उस लेवल तक आएगा, तो आपको वहां पे इन लोग प्रॉफिट बुक करेगा। जैसे कि कल हम देख पा रहे थे यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, ठीक है, और नीचे कोई सपोर्ट अच्छा खासा नहीं मिल रहा था। तो मैं आपको क्लियर करके बताया था कि यहाँ से जिन लोग सेल कर रहा है थोड़ा सा नीचे जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेगा, फिर वहां से ऊपर आ जाएगा। आपको याद हो रहा होगा कल का वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो। तो दोस्तों ये था निफ्टी का ऑप्शन चेन और टेक्निकल के साइड से बैन। तो मैं आपको क्लियर करके बताया जो कौन कौन सी लेवल, ऑप्शन चेन में भी मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस फिलहाल कोई खास रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, कल एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी है, तो ये जो डेटा है ये डेटा काफी गड़बड़ाता है। अगर आप इस डेटा देख के ट्रेडिंग करते हैं तो एक्सपायरी के दिन में आपको थोड़ा सा धोखा भी दे सकते हैं, आप समझ में नहीं पाएंगे जी क्या लेवल हो रहा है, क्या इसमें अंदर कहानी हो रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको निगाह इस जगह पे जाना चाहिए, ये ओपन इंटरेस्ट कितना है, जिस तरफ सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा, हैवी ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा, उस तरफ जाने का एक पॉसिबिलिटी रहता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो 12000 के ऊपर 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो 12000 का करीब तक आने का भी एक चांसेस रहता है। चलिए दोस्त फटाफट देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या स्थिति है। तो बैंक निफ्टी का ओपन लो और हाई अगर देखें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ओपन हुआ है 31150, लो गया है 30996, यानी कि मैं कल आपको 31000 की बात किया था, बिल्कुल उसी लेवल से उभरा है। और जो हाई गया है देखो 31337, जो कि सुबह का हाई है वही हाई बनाया है, ठीक है दोस्तों। जो कल मेरे को किसी फ्रेंड्स ने एक पोजीशन दिखाया था जो मुझे 30000 का घटा हो रहा है, तो मैं उनको आज सुबह सजेस्ट किया था, व्हाट्सएप नंबर भी उन्होंने दिया था, तो उनको मैं सजेस्ट किया था कि इस लेवल पे निकल जाना, तो उन लेवल पे निकला है, उनको लॉस कुछ हद तक कम हुआ है। तो चलिए दोस्त यहाँ पे जो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से आ रहा है निफ्टी, ये निफ्टी का चार्ट है, हम बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखिए, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मेरे को जो लेवल लग रहा है ये यहाँ पे 31460 से लेके 31480, इस लेवल के आसपास एक बार ये अटक सकता है, ठीक है दोस्त, एक बार ये अटक सकता है। अटकने के बाद इस जगह को जब क्लियर होगा तो आपको 31500 और 31600 का नजदीक का लेवल आपको मिलेगा। तो दोस्त बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, आप अगर थोड़ी सी टेक्निकल जानते हैं, ठीक है दोस्त। ऐसे नहीं कि मैं एक तरफ का कॉल और एक पुट साइड का एक पुट और कॉल साइड का एक कॉल ले लूं, इस स्ट्रेटेजी में मैं इतना भरोसा नहीं करता हूँ। शायद कमाते होंगे, काफी लोग कमाते होंगे, लेकिन मैं इस स्ट्रेटजी में इतना ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। लेकिन उसमें भी निकलने का टाइम होता है, अगर आप लेते हैं तो उसमें भी निकलने का टाइम होता है, वो अगर निकल पाते हैं तो आप लोग अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होंगे, ठीक है दोस्त। तो टेक्निकल व्यू के मुताबिक जो स्थिति है मैं बता दिया कि आपको 31350 से 31380 के आसपास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेंगे, फिर इसको क्रॉस करेगा तो 31500 और 31600 का लेवल देखने को मिल सकता है। दोस्त यहाँ पे ऑप्शन चेन की स्थिति से हम जानेंगे कि क्या यहाँ पे लेवल इंपॉर्टेंट है।
तो सपोर्ट हमारे को 1,200 मिल रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में 1,06,000 का जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट हम देख पा रहे हैं, 1,06,000 का बहुत बड़ा सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए ठीक ठाक सपोर्ट है। रेसिस्टेंस जो हमारे को फर्स्टली फेस कर रहे हैं वो 1,400 पे फेस कर रहे हैं। तो ये जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट है, ये कोई इतना भारी रेसिस्टेंस नहीं है, भारी सपोर्ट नहीं है, जो कि हम जिस जगह पे आपको बताएं जी, यहाँ से बैंक निफ्टी सस्टेंस करे और यहाँ से बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस बने। तो दोस्त यहाँ से आपको वही जो टेक्निकल चार्ट का लेवल मैं बताया, उसी लेवल को ध्यान देना चाहिए और उसी लेवल तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए इन चीज के ऊपर आप ध्यान दीजिए और इसके ऊपर नोट डाउन करके रख के फिर आप काम करना सीखिए। ठीक है दोस्त, चलिए तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना ही बताऊंगा। अगर कोई स्टॉक का बात करूं तो यहां से मैं आपको बात करना चाहूंगा टीसीएस पे, थोड़ा ध्यान दीजिए। आज मैं टीसीएस पे इंट्राडे कॉल दिया था। देखिए आप लोग अगर हमारा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं और फ्री कॉल पाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए आज मैं सिर्फ दो ही कॉल दिया था, सुबह सुबह एसबीआई में आपको 1% का गेन कराया, फिर टीसीएस का कॉल दिया था जो कि सुबह भी टारगेट से 1 रुपया नीचे से बाउंस बैक हुआ, लेकिन बाद में अगेन फिर टारगेट अचीव कराया। तो हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपको पाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक से जुड़िए। देखिए मेरे पास कोई फ्रेंड्स ने दिन में पूछा था बीपीसीएल का व्यू बताइए और अशोक लीलैंड का व्यू, मैं बाय कर सकता हूँ 80 का कॉल, तो मैं उनको क्लियर व्यू बताया था कि 78 से ये गिरेगा, और मैं बीपीसीएल का बताया था 492 से ये ऊपर नहीं जाएगा, वहां से गिरेगा। तो दोनों इतना बढ़िया तरीके से वहां से गिरा है। अगर वो दोस्त वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर आपका व्यू बताइएगा, जिस हिसाब से मैं आपको बताया हूँ उस हिसाब से काम हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी दोस्त से यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर किसी स्टॉक का व्यू पाना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उनका रिप्लाई जरूर देता रहूंगा। दोस्त आज के वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबाएगा। हमारा जो टेक्निकल क्लासेस चलता है उसका इस तरह का चलता है, 10 से 12 दिन का ऑनलाइन क्लासेस है, सिर्फ 5,000 फीस है। ओके दोस्त आज के लिए इतना ही, अगर बेल आइकन दबाना ना भूले ना भूले ना भूले अगर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।